ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो गलत काम करते हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। जो भी चीजें बताऊंगा जेन्युइन बताऊंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो, अगर आप एक समझदार इंसान हो तो आज के बाद अपने फोन को एक नए तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करो। जैसे कि आपके गैलरी में क्या क्या चीजें हैं या थी वो सब जानते हैं, और दुनिया को पता है कि जो इंसान वीरनाश करता है उसके फोन में क्या चीजें होती हैं जनरली। आज के बाद वो सारी चीजें आपको डिलीट करनी पड़ेगी। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन कर दो। अक्सर लोगों को लगता है कि गंदी चीज़ें देखने से ही लोग वीरनाश कर बैठते हैं, वही सबसे बड़ा कारण है। नहीं जी, उससे पहले जो चीज़ें होती है वो मैटर करती है बहुत ही ज़्यादा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो आप कोई भी टेलीविज़न में प्रोग्राम देख रहे हो, अब उसमें ऐसा कोई सीन आ जाए जो बहुत ज़्यादा गंदा है, तो आपका दिमाग वहाँ से भटकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत जाके वीरनाश करोगे, लेकिन वो आपके दिमाग में घर कर गया है। ऐसे में 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपका संयम का जो बांध है वो टूट जाएगा। अब बात करते हैं उनकी जो एक दिन भी नहीं रोक पाते हैं। देखो, अपने आप को एक टारगेट दो। अगर आप टारगेट नहीं दे रहे हो खुद को तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। इतने दिनों तक आपने खुद को एक टारगेट नहीं दिया था, और अगर दिया भी था तो आपके मन में टारगेट को फुलफिल करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि इच्छा से सब कुछ मुमकिन है। और आज के बाद आपका एक टारगेट जो होगा ना, आप उसको पूरा करोगे। कहोगे खुद से कि मैं एक असली मर्द हूँ, और असली मर्द की पहचान ये होती है कि वो जो बोलता है ना वो करता है वो चीज़। आपकी जुबा की ना एक कीमत होनी चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप आज जो कह रहे हो उस पर कमिटेड नहीं हो, आगे जाकर आप क्या करोगे दोस्त? देखो, अगर काम वासना सता रही है, टॉयलेट में हो या फिर बिस्तर पर पड़े हुए हो, ऐसे में आपको इस वीडियो को खोलना है और जो भी मैंने बातें बताई हैं आपको उसको ध्यान से सुनना। इससे ये होगा कि आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या कमिटमेंट दिया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना नाम लिखो और खुद से ये बात कहो कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी बोलना है बोलो, लेकिन ये कहो कि आज के बाद मैं और नहीं करने वाला, बस बहुत हो गया। जो भी इंसान ये सारी चीज़ों को ट्राई करेगा उसको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे और वो आज़ाद हो जाएगा वीरनाश से। ज़िंदगी भर के लिए वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा अगर वो चाहे तो।